हेलो। हेलो आरुष। हेलो सर, माय नेम इज आरुष चंचल। आई एम 11 इयर्स ओल्ड। आई लिव इन नगर। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लासेस। ओके आरुष, जब यहाँ पे तू आया था तो तुझे स्टैमरिंग होती थी। अब जब तूने यहाँ पे कोर्स किया, अब फॉर्म के अंदर तो कहीं स्टैमरिंग नहीं होती? आपने फॉर्म में अपनी स्कूल में भी जो है बात करी है, अपने फ्रेंड से भी बात करी है आउटसाइड स्कूल में, और घर में भी बात करते हो और लोगों से भी बात करते हो, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में फॉर्म के अंदर तो स्टैम्पिंग अब नहीं होती? नहीं सर, अब फॉर्म के अंदर स्टैमरिंग नहीं होती। सही बात है। अच्छा, ये फॉर्म इजी टू स्पीक है आपके लिए? मतलब आवाज इसमें अच्छे से आसानी से आती है या थोड़ी सी अलग सी आती है या ऑर्डिनरी साउंड ही आती है? नहीं सर, नॉर्मल आवाज ही आती है। ओके आरुष, एक बारी बता दे कि तुझे खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे खाने में कढ़ी चावल और छोले भटूरे। अच्छा, कौन सी एक ऐसी चीज है जो तुझे बिल्कुल नहीं अच्छी हद तक लगता है सब्जी में, खाने में? कौन सी कोई ऐसी एक सब्जी है अगर माइंड में है तो? मुझे करेले की सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने 1 बार खाई थी। बड़ा कड़वा सा टेस्ट आया था। अच्छा, आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है आरुष? चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी मिक्स, ये तो अलग अलग आइसक्रीम को तूने कॉम्बिनेशन हो गया है ना? ठीक है आरुष, ठीक आरुष, अपना अब फॉर्म में बात करने के बाद अच्छा लगता है कि अब आवाज अच्छी हो गई है, स्टैमरिंग नहीं होती है कहीं पे भी, अब अच्छा लगता है? ये सर अब अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें 20 बार नहीं होती ओके चलो, और आवाज अच्छी। और आवाज चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए तो आया था इधर, है ना? चलो अच्छा, अब अपना वाला हेडफोन उतार के मम्मा को हैंड ओवर कर दे। हेलो मैम, मैम आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप आरुष के। ओके मैम, जब आप यहाँ पे आए थे कोर्स कराने के लिए तो आपने जैसे मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह स्क्रॉल की रही थी, देखी थी, और आपको उस टाइम इन्फॉर्म हुआ था कि आरुष की स्टैमरिंग जो है वो 2 हफ्ते में अब तो 100% ठीक हो जाएगी। क्या उस समय पे आपको फील होता था कि 2 हफ्ते में ऑनलाइन कोर्स से ही सही हो सकता है? मैम अब जब आरुष फॉर्म के अंदर ऑनलाइन होता, हाँ जी हाँ जी, क्या कहा आपने? जो भी बाकी हमने जो रिव्यूज देखे थे, और मतलब देखे तो ऐसे लगा था जैसे मैजिक की है कि मैजिक से ठीक हो जाएगा। जैसे हाँ जी, ओके ओके मैम, अब जब आरुष फॉर्म के अंदर होता है तो कहीं पे भी इसको किसी भी सिचुएशन के अंदर, माहौल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, फ्रेंड्स में, घर में, स्कूल में, आपको भी क्या फील होता है अब इसको स्टैमरिंग फॉर्म के अंदर नहीं होती है? फॉर्म के अंदर तो ये बिल्कुल स्टैमरिंग नहीं होती है, बल्कि कल ये
तो आपको ये फील करने के बाद, खुद एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि कितना एकदम से लाइफ में वो जो कोर्स रहा इसका, इलाज जो हुआ वो 2 हफ्ते में इतना अच्छे से हो गया। ओके हाँ मैम, उन माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश है जो जो बच्चों के लिए इग्नोरेंस एटीट्यूड में आ जाते हैं, यार ठीक है अभी नहीं इलाज करवाएंगे, अभी सोचेंगे फीस के बारे में सोचेंगे, या चलो ठीक है अपने आप हो जाएगा, उन माँ बाप के लिए आपका क्या मैसेज है मैम? क्योंकि आपने खुद एक सही उम्र के अंदर फैसला लेके आपने माँ होते हुए इसका इलाज कराने के बारे में सोचा, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? ओके मैम, ये जो इसकी वीडियोस हैं आरुष की, आफ्टर की ये वाली और बिफोर वाली, क्या ये वीडियोस सोशल मीडिया पे सोशलाइज हो सकती हैं? उससे आपको कोई ऑब्जेक्शन या इतराज तो है नहीं? नहीं, आपके मेरे को साफ साफ अप्रूवल की जरूरत है ऑनलाइन के ऊपर ही कि हाँ आपको ऑब्जेक्शन है या है नहीं। ठीक है मैम, हेयर इज यू एंड योर फैमिली एंड आरुष विशिंग द वेरी एक्सीलेंट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स मैम, एंड आई होप आप जिस चीज के लिए, जिस सेटिस्फेक्शन के लिए आए थे, जिस फीलिंग के साथ आए थे ये सेंटर और मैं उस इमोशन पे उतरा हूं। नहीं मैम, आगे भी ऐसे ही मोमेंट्स बहुत आएंगे एज लॉन्ग एज ही इज इन द फॉर्म एंड स्पीकिंग। ठीक है मैम, हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो आई अगेन विश यू एंड योर फैमिली एंड आरुष द वेरी एक्सीलेंट फॉर द फ्यूचर and the endeavors in it. Okay, thank you ma'am.